चलेगी, नहीं चलेगी, चले चले जी। जैसा आप सभी को पता है कि अभी जो बैंक पीओ का जो रिजल्ट अभी निकला था, जिसमें जो कट ऑफ जो मेरिट इन्होंने बनाया था, जिसमें कश्मीर में इन्होंने 42 लिया था और जम्मू में 62 इन्होंने उठाया था, जबकि जब एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आई थी तब ऐसी कोई भी जानकारी इसमें नहीं दी गई थी कि कश्मीर का अलग से होगा और जम्मू का अलग से होगा। हम गवर्नर साहब से भी ये मांग करना चाहते हैं और J&K बैंक के जो प्रशासन है उनसे भी ये मांग करना चाहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। पहले भी जम्मू के साथ भेदभाव होता आया है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर का युवा ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी जम्मू कश्मीर राज्य की अखंडता और एकता के लिए जो भी सही होगा, हम इस राज्य को बांटना नहीं चाहते। लेकिन जब भी युवा मोर्चा, जब भी जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव होगा, इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेगा और ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कार्यकर्ता है, प्रेस क्लब के बाहर एकत्रित हुए हैं और जो आपने देखा होगा हाल ही में जो जम्मू कश्मीर बैंक का जो रिजल्ट आया, जिसमें कुछ डिविजन्स को उन्होंने कश्मीर में 40% का जो कट ऑफ दिया है और जम्मू संभाग को 63% का। इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो जम्मू के साथ आज की जा रही है और उसी संदर्भ में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पर है और जम्मू के लड़कों के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। जितना भी आज आप लोगों ने देखा कि जितना भी हम लोगों ने आज इस चीज़ का बहिष्कार किया, जम्मू कश्मीर बैंक के खिलाफ नारेबाजी की है, वो इसी संदर्भ में की है कि खाली आप लोग इतने सालों से केवल एक ही डिवीज़न को क्यों देखते आ रहे हैं? क्या जम्मू और लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है? आप कितनी बार जम्मू और लद्दाख के लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं और हर बार जो है एक ही खित्ते को जो है उसका हक देते हैं। हम ये नहीं कहते कि कश्मीर खित्ते को उसका हक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जम्मू और लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है तो तीनों खित्तों को जो है बराबर का हक दिया जाना चाहिए।